यस भी नेक्स्ट टॉपिक है एमपीआर सर्कुटुल्ला, ये गोजला की तरह से भी, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में गोजला पढ़ा था ना, वैसा ही स्टेटमेंट है कुछ इसका, लिख दिया। तो एमपीआर सर्कुटुल्ला क्या बोलता, देखिए ये बायोट सर्कुटुल्ला को थोड़ा इजी करेगा अभी टॉपिक को, सारे टॉपिक इससे निकाल सकते हैं हम लोग वहाँ पे भी, ठीक है। तो एक बार लिखिए स्टेटमेंट, लिखिएगा क्या बोलता है, लिखो इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज इन दैट लूप enclosed in that loop. स्टेटमेंट क्या लिखवाया गया है, देखिए ये लिखवाया गया है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड इन दैट लूप, ये मतलब होता है इतने गुणा हुए, ठीक है, म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड इन दैट लूप। अगर आप गोजला को देखो, कुछ याद है गोजला भी, क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट पाथ भी, यस और नो, एज लाइक गोजला भी, प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई मानेगा नहीं इसको, ठीक है। देखिए प्रूफ में, मान लेते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है भी, स्ट्रेट वायर भी, जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ओके okay? क्या ये बिहेव करेगा एज लाइक मैग्नेट भी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भी, डायरेक्शन क्या होगा, ये पक्की बात है कि इसमें कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे भी, यस और नो, बनेंगे, कैसे बनेंगे, यहाँ से फील्ड इनवर्ड जा रहा होगा, यहाँ से फील्ड क्या हो रहा होगा, आउटवर्ड जा रहा होगा भाई, तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी हो जाएगा अभी इस लूप के ऊपर, क्योंकि मेरे को डीएल यूज़ करना है एलिमेंट लूप पे भी, देखो यहाँ पे क्लोज लूप यूज़ किया गया, एक्चुअल में जो क्लोज लूप किसके लिए होता है, करंट के लिए बोला गया है अभी, करंट जब भी फ्लो करता है हमेशा क्लोज लूप में ही करता है, ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो करता ही नहीं है अभी, सर्किट में क्या होता है, क्लोज ही होता है अभी जो करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट कभी फ्लो नहीं करता अभी, समझ में आया। तो इस पॉइंट पे भी मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, इस पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए मेरे को, कैसे निकालोगे, इसके अराउंड देखो ऐसे, ये करंट कैरिंग वायर है अभी, इसके अराउंड फील्ड ऐसे जा रहा है अभी, लूप फॉर्मेशंस में क्या बना रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, यस और नो, मैं स्पेशल निकाल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे निकालो कितना आएगा, कैसे करोगे, सर्कल पे कोई सर्कल है अभी, उस पर आपको डायरेक्शन निकाल ली हो, मान लेते हैं आपने क्या किया, एक धागे से पत्थर को बांध दिया अभी, ये पत्थर है, धागे को घुमा रहे हो, क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, और इस पॉइंट पे आके धागा टूट जाए भी, तो डायरेक्शन ऑफ स्टोन की क्या होगी, जो पत्थर जाएगा अभी, इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन भी, तो क्या किया आप लोगों ने, इस पर टेंजेंट ड्रा कर दिया अभी, यस और नो, किसी भी सर्कल पे या किसी भी करो पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो, वो टेंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, फील्ड देगा अभी, यस और नो, तो इस पॉइंट पे हम क्या ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें, तो ये टेंजेंट क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की, जो कि यहाँ से डिस्टेंस आर पे है अभी, ओके। और मैंने क्योंकि इसका एक छोटा सा लूप बनाया है, फिर बाद में करेंगे, लूप की कितना लेंथ है, डीएल, एलिमेंट बना लिया, कितना लेंथ है, डीएल, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल भी,
डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो डीएल की एक डिस्प्लेसमेंट है, अभी ये ऐसे घूम रहा है इस वायर के अराउंड, ऐसे यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा इस तरफ, यस और नो? तो ये डायरेक्शन किसकी है, डीएल की भी यही है, तो ये डायरेक्शन किसकी है, डीएल की भी है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो वी हैव ए स्ट्रेट वायर, वी हैव ए स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आई, वी हैव स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आई, करंट कितना उसका आई, एंड इट फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये बात सही है, इट फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सही है कि नहीं है? yes. हो जाएगा। तो आपको प्रूव करना है एम्पियर्स लॉ इस इक्वेशन से भी, तो बी डी एल मैंने दिखा दिया डायरेक्शन में कैसे बनने हैं यहाँ पे, कैसे प्रूव करोगे भी? दो एक साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो रहे हैं, राइट किसी एक को पकड़ लो, दूसरी प्रूव कर दो, यस और नो? अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसको क्या ले सकता हूँ अभी, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, कितना है एंगल भाई, जीरो, किसके बीच में, बी और डी एल के, डायरेक्शन क्या दोनों की सेम है अभी, यस और नो? कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, एनी प्रॉब्लम क्लास? अब बी क्या था भाई, व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, भी कितना वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, कुछ याद है या नहीं है? ये था म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टू आई बाई फोर पाई ए, ठीक है भाई, यही था। तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए की जगह क्या लिखोगे, आर, फोर पाई आर, रेडियस आ रहे हैं यहाँ पे, तो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, सही है, यस भाई? तो बी का वैल्यू आ गया क्लास, यहाँ पुट करें बी का वैल्यू भी, तो कितना आएगा, देखिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट टू आई बाई फोर पाई, म्यू नॉट आई लिख देते हैं, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर इंटू डी एल भी, इंटू डी एल, ये रहा, ये वन हो गया अभी। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल भी, बाकी तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकालिए यहाँ से, कितना आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट क्या भाई, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, और डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल लिख दूँ, डी एल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लूप भाई, पूरा बनाएंगे तो पूरा लूप बनने वाला है, तो कितना आंसर आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर इंटू टू पाई आर भी, सरकमफ्रेंस टू पाई आर से टू पाई आर काट दीजिएगा, कितना आंसर हुआ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई भी, दिस इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ भी, यस भी, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर हैविंग करंट, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, वायर स्प्रेडर का पहला टॉपिक है, वहाँ पे 5152 मीटर में बड़ा बड़ा टॉपिक बनाया था हम लोगों ने, यहाँ पे देखो कितना आसान टॉपिक बन जाएगा ये। देखिए अभी हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है अभी, जिससे करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट है आई, इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ, यस और नो? किस फॉर्म में बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी, ये डिस्टेंस आर ले लेता हूँ,
या सर ने वहाँ पे ए लिया था, ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, हो जाएगा अभी। तो इसके लूप के छोटे एलिमेंट करें तो एलिमेंट क्या आएगा, डी एल। डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा भाई, यहाँ से इनवर्ड होगा, यहाँ से आउटवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स पे, यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड पे। तो डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पे निकालते हैं, कर्व पे निकालते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शन के लिए, हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, दिस डायरेक्शन ऑफ बी, और सिर्फ डायरेक्शन में कौन जाएगा, डी एल भी जाएगा इन टर्म ऑफ फैक्टर्स। यस सर नो, इतना हो गया, लिख लीजिए, वी हैव ए स्ट्रेट वायर, वी हैव ए स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आई, वी हैव ए स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आई एंड सी इज द पॉइंट, सी ले लेते हैं यहाँ पे, सी इज द पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इस पर चेक कर लेंगे, सी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, सी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू किसके भाई, एम्पियर्स लॉ, क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके भाई, म्यू नॉट आई, इसको यूज करना भी आपको, प्रूव नहीं करना, प्रूव तो हो चुका है। ओके, चेक करो अभी, बी और डी एल में कितना एंगल बन रहा है, जीरो लिख सकते हैं, बी डी एल कोस जीरो भी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यस और नो, क्योंकि आपको बी निकालना है तो बी को बाहर ही निकाल लो यहाँ से, तो फिक्स होगा कुछ वैल्यू के लिए, ये क्या है, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या मैंने ऐसे लिखा है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल भाई, कितना है, पूरे के लिए करें तो कितना आएगा, टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, ये आंसर था वहाँ पर, पूरा हो गया अभी, बनाइएगा। यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंडर, भाई करंट तो ऑब्वियस फ्लो कर रहेगा अभी, यस और नो, सिलेंडर स्पेशल सिलेंडर बोला गया, वायर नहीं बोला गया अभी, वायर एक्चुअल सिलेंडर ही होती है, यस और नो, वायर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म ही तो है, मोटी वायर यूज़ करें, सीधी सी बात ये है, यस और नो, तो आपके पास एक सिलेंडर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है अभी, तो ये मान लेते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आपको कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंडर खाली तो हो सकता है अंदर से, फॉलो भी तो पॉसिबिलिटी है, और सोलिड भी हो सकता है, पैन देख लीजिएगा, सिलेंडर है इससे करंट फ्लो करवा रहे हैं भाई, कैसे पॉसिबिलिटी, एक तो पॉइंट बाहर निकालना पड़ जाए भाई, यहाँ फील्ड निकालो कितना आएगा, इसके एक अंदर भी हो सकता है फील्ड भाई, वहाँ पर निकाल लेते हैं, सरफेस पे होगा फील्ड, होगा मैक्सिमम फील्ड तो सरफेस पे ही होता है भाई, यस सर नो, जरूरत नहीं निकाल, याद है टॉपिक, हम लोगों ने गोजला में टॉपिक किया था, होलो स्फीयर और सोलिड स्फीयर का, वही केस है ये, अब की बार करंट फ्लो करवा रहे हैं उसको, और चार्ज थे भी, ठीक है, तो एक सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं केस बना लें, पहला पॉइंट केस, डायरेक्ट केस यूज़ कर लेते हैं, एक बार लिख लीजिएगा, लिखो एक बार, लिखो, वी हैव ए सिलेंडर, वी हैव ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कितना रेडियस यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल आर भी, वी हैव ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैविंग करंट आई, हैविंग करंट ए आई, सही है, इतना ही बोलना बस, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं इसके बारे में, हो जाएगा, एंड पी इज द पॉइंट, एंड पी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, पी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओके, पी कोई पॉइंट होगा, बताएंगे पी कहाँ कहाँ पे होगा, इसका पहला पॉइंट डालिएगा अभी, पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका पी पॉइंट है वो बाहर लाई करता हो अभी, पी पॉइंट लाई पॉइंट डेट, पहला पॉइंट भी पी पॉइंट लाई आउटसाइड द सिलेंडर,
पी पॉइंट लाई आउटसाइड भी, अगर पॉइंट पी बाहर हो भी सिलेंडर के बाहर भी। देखो क्लास, ये सिलेंडर है, ये वायर एक्चुअल में मोटी वायर बोल सकते हैं, ये एसी एक्सिस अभी उसको सेंटर से पास करेगी या सर नो, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अभी पूरी वायर में से, करंट कितना है आई, कितना रेडियस है इसका भाई, कैपिटल आर था। और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ पे निकालना है अभी, पॉइंट पी ये है अभी जो कि सिलेंडर से बाहर अभी, सही है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ कहाँ से मापना पड़ेगा, एक्सिस से मापना पड़ेगा हमको भी, कौन सी एक्सिस है जो उसके सेंटर पॉइंटों से पास करती है अभी, इसको इट्स कॉल्ड सिलेंड्रिकल एक्सिस बोलते हैं इसको भी, सब कुछ यहाँ से मापते हैं हम लोग, हो जाएगा। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अराउंड लूप बनने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के भी, कैसे कोसेंट्रिक फॉर्म में भी, यस और नो, किस फॉर्म में बनना चाहिए, कोसेंट्रिक फॉर्म में क्या बनना चाहिए, मैग्नेटिक लूप बनना चाहिए, यस और नो। डायरेक्शन क्या होना चाहिए लूप का भाई, वायर तो है यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से क्या होना चाहिए आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड। अगर मैं लॉ को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे एक कौन सा एलिमेंट बनना चाहिए, एक और छोटा सा एलिमेंट, कौन सा डी एल, यस और नो। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बी क्या होनी चाहिए, अभी ऑलवेज टेंजेंट, ये बी है, और डी एल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, सेम टॉपिक है, यस और नो। डायग्राम बनाओ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ भी, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यस और नो। बी और डी एल में कितना एंगल बन रहा है क्लास, जीरो, बी डी एल साइन कॉस, कॉस लिखें कॉस जीरो म्यू नॉट आई, एनी प्रॉब्लम भाई, कॉस जीरो क्या हो गया वन, B को निकालना है अंदर क्या बच गया डी एल वेरिएबल है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सही लिखा है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, 2πr, कौन सा भाई छोटा कि बड़ा, दो आर हैं, छोटा वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ऐसा लग रहा कि पाइप कितना ही मोटा हो बाहर तो इट व्यू लाइक ए वायर भी, इट व्यू लाइक ए वायर, यस और नो। कितनी मोटी वायर यूज कर लो भाई क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से कह सकता हूँ कि B मेरा किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ 1r पे, बाकी तो कांस्टेंट है अभी, समझ में आई बातें, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1r, एनी प्रॉब्लम क्लास, अगर पॉइंट P बाहर लाई करता है, समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, हो गया अभी इतना, सेकंड पॉइंट तुम करोगे अभी, When point P lie inside भी, inside the cylinder भी, अगर point P cylinder के अंदर हो तो क्या होगा, cylinder बना लेते हैं पहले, तो देखो भाई, देखिए क्लास, हाँ वही दो केस बनेंगे इसमें, होल और सोलिड का, ठीक है। अब देखो भी क्लास से ये कंडीशन, अभी देखो ये कंडीशन को देखिएगा, सेकंड पॉइंट है जब पी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इनसाइड लाई करता है, तो इनसाइड ये पॉइंट मान लूँ भाई, ये कितना रेडियस है इसका, और ये यहाँ से कितना है स्मॉल आर, अभी तो ये लूप बनाएगा एक, अगर होगा तो बनाएगा, यस आर नो। डी एल कहाँ पे होगा, डायरेक्शन क्या होगी भाई, ऐसे ही जब ने पहले बनाई थी, बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये डी एल कहाँ पे होगा, ये भाई सही है, डायग्राम बना लिया सकते हैं इस टॉपिक के। अभी पहला केस ये हो सकता है कि सिलेंडर होलो हो भाई, क्या होलो सिलेंडर भी, देखो जो करंट फॉलो कर रहा है अभी क्लास, ये पेन है अभी, पेन अंदर से खाली है, इसमें से करंट फ्लो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्या इसके अंदर करंट है भाई, अंदर पेन है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अभी,
क्या इसके अंदर करंट है? करंट सिर्फ बाउंड्रीज पे फ्लो कर रहा है अभी, इसके अंदर करंट है क्या? तो एम पे स्टेप अप्लाई करूँ तो क्या होगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई होता है, आई तो है ही नहीं, आई की वैल्यू कितनी है? जीरो। यस और नो? तो यहाँ पे क्या होगा, लिख दो, इस कंडीशन में क्या होगा, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो भाई। तो सिंपल सकते हैं यहाँ से, बी का वैल्यू कितना होगा भाई? जीरो। या तो बी जीरो होगा, या डी एल जीरो होगा, या एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो तो है नहीं, सॉरी टोटल जीरो नहीं है, एंगल की वैल्यू वन है, डी एल जीरो नहीं है, एलिमेंट वन रखा है, तो बच गया कौन है? तो बी जीरो होना चाहिए। तो बी फील्ड इनसाइड यानी कंडक्टर, सॉरी यानी होलो सिलेंडर इज जीरो भाई। यस और नो? क्वेश्चन ये है अभी क्लास से, वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ओके, वायर में से करंट आई जा रहा है, तो करंट उसके बाहर जा रहा है कि अंदर जैसे जा रहा है? अगर वायर सॉलिड हो तो इट इज क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा वो। वायर से करंट फ्लो कर रहा है क्लास, क्वेश्चन ये होगा करंट कहाँ पे है उसके फ्लो कर रहा है, उसकी बॉडी पे फ्लो कर रहा है, उसके इनसाइड फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? इसका सेकंड पॉइंट है भाई, क्या लिखवाएं? फोर सॉलिड सिलेंडर भी, सॉलिड सिलेंडर है भी क्लास, करंट कैसे फ्लो कर रहा है उसको बताओ मेरे को जल्दी से। पूरा एक पाइप है, सॉलिड पाइप है, उसमें से करंट आई जा रहा है, तो करंट कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है उसके, इनसाइड है, आउटसाइड है, दोनों तरफ है? पूरे सिलेंडर में करंट है भाई, करंट बट गया पूरे सिलेंडर के अंदर। यस और नो? तो जब करंट बट गया, क्या इस पोर्शन में से सेम करंट फ्लो करेगा भाई? आई तो पूरे में जा रहा है, क्या इसमें सेम करंट होगा? नहीं हो सकता भाई, इसमें कुछ और वैल्यू होगी करंट की क्लास, ठीक है। कैसे निकालोगे, लॉ कैसे अप्लाई करोगे भाई? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, क्या म्यू नोट होगा भाई? म्यू नोट नहीं हो सकता, और वैक्यूम के एयर के लिए होता है, हमने बोल दिया कि सिलेंडर क्या है, सॉलिड है भाई, पॉसिबल नहीं है। कई बुक्स में म्यू नोट लिखा होता है, गलत लिखा होता है भाई, इट इज़ फॉर सॉलिड भाई। तो साथ में क्या लिखोगे? म्यू आर भी लिखोगे भाई। व्हाट इज म्यू आर? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, सॉरी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी। कुछ याद है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर भाई। इसको दिखाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी इसको, इसका भाई मीडियम के दिखाने के लिए कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो व्हाट इज म्यू आर? रिलेटिव इलेक्ट मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी। ये आगे आएंगे, इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा मैं आपको टॉपिक अभी, कर लोगे? क्या करंट आई होगा? नहीं होगा, इट इज आई डैश भी। ये फर्क पड़ जाएगा भाई एम्पीयर ला के अंदर भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो क्वेश्चन ये है कि पहले मेरे को आई डैश ही निकालना है, पूरे एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस एरिया में से भी कितना एरिया है इसका? पाई आर स्क्वायर भी, पाई आर स्क्वायर एरिया में से आई करंट फ्लो कर रहा है, ये बात सही है कि नहीं है? वन में से कितना करेगा? आई बाई पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर, इसमें से कितना करेगा भाई? ये आई डैश मान ले, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर भी काट दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डैश? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम क्लास? ये पक्की बात है कि आई तो नहीं जाएगा इसमें, कुछ करंट जाएगा अंदर, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, कितना अंदर है भाई? आई डैश का वैल्यू कितना? आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम? अरे कुछ समझ में आ रहा तुम लोगों को? नहीं आ रहा? ये हो गया भाई, इसको रब कर दूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको अलग से लिख सकते हो बताने के लिए आपको, इसको करंट तो वही है आई डैश, तो पुटिंग द वैल्यूज भी रब कर दे इसको भी, हो गया। तो आप सॉल्व करते देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डी एल कोस जीरो, सही है, इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई डैश, आई डैश कितना है? आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर भी।
मेरे को बी निकालना है अभी, अंदर क्या बच गया, डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। व्हाट द वैल्यू ऑफ डी एल क्लास, कौन सा आर यूज़ करें, छोटे वाला यूज़ तो उसी को कर रहे हैं हम लोग अभी, सही है। तो कितना आएगा, म्यू नोट म्यू आर आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम भाई, ये डब कर दें डायग्राम, हो गया होगा। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से भी म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई टू पाई आर इंटू आर स्क्वेयर। वे क्या पे सही है ना, एक आर से आर का काट दूँ, कितना बचेगा बी का वैल्यू, भी म्यू नॉट म्यू आर आई आर बाई टू पाई आर स्क्वेयर। दिस इज द आंसर, यस सर ना, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो बी डिपेंड किस पे करेगा सर, अब आर पे भी, बाकी तो कांस्टेंट है भाई, ये सारा कांस्टेंट है, ये आर रेडियस है भाई, फिक्स है, ये फिक्स है टू पाई, करंट फिक्स है अभी, यस सर ना। तो इनसाइड की बात करें, दो केस बन सकते हैं, अगर होलो हो तो बी का जीरो होगा, सॉलिड हो तो ये आंसर होगा भी। कर पाओगे ग्राफ बनाए तो, ऑन द सरफेस कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आर इक्वल टू आर करके निकाल लो, वो करेंगे नहीं हम लोग, है भी नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाया जाए दोनों का भी, कैसे बनेगा ग्राफ, ग्राफ करें दोनों केसेस का ग्राफ बनाओगे। देखो भी अगर इसको बराबर करते हो आर इक्वल टू आर ऑन द सरफेस की बात, कुछ तो वैल्यू आएगी भी, तो कॉन्स्टेंट होगी, तो ग्राफ जो बनेगा आर और आर के बीच में भी, सॉरी बी और आर के बीच में भी, तो एक पॉइंट तो आर इक्वल टू आर होएगा ही कहीं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे भी, यस सर ना, बताएं रे कुछ तो आएगा, आर पकड़ के देख लो फोटो यहाँ पे वैल्यूज भी, कर लोगे, देखो कर नहीं रहे हम लोग। इस तरफ कौन सा आएगा, आर इज लेस देन आर भी, और इस तरफ कौन सा आएगा, आर इज ग्रेटर देन आर, ये वाला केस कौन सा है, इनसाइड वाला भी, यस सर ना। इसमें क्या बना है, बी प्रोपोर्शनल टू आर अभी, तो ग्राफ क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, बी प्रोपोर्शनल टू आर, सही है भी क्लास। और ये वाला केस कौन सा है, आउटसाइड वाला, मैंने बोला था उस पर डिपेंड करता कुछ वैल्यूज और भी हैं अभी, तो बी प्रोपोर्शनल टू किसके, वन बाई आर। ग्राफ क्या आएगा, कर्व फॉर्म में आएगा भाई, कुछ और फैक्टर भी हैं जिस पर डिपेंड करता है, एक लिया नहीं है, कर लोगे, एनी प्रॉब्लम क्लास, टॉपिक इज कंप्लीट भाई आज।